देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। रीवा के जय स्तंभ चौक में स्थित दो दुकानों में आज प्रशासनिक अमले के द्वारा कार्यवाही की गई है, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की जा रही थी, जिसके तहत प्रशासनिक टीम ने तकरीबन 160 सिलेंडर जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि सतना जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे प्रदीप जैन के रीवा स्थित ठिकाने पर दबिश दी गई, जिसमें तकरीबन 113 सिलेंडर जब्त हुए हैं, जिसके बाद एक अन्य स्थान पर भी कार्यवाही की गई। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते जहां आप लोगों को ऑक्सीजन के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं लोगों के द्वारा लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, जिसके चलते आज प्रशासनिक अमले ने सतना जिले में ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे प्रदीप जैन की दुकान से तकरीबन 400 सिलेंडर जब्त किए हैं, जिसके बाद उनके रीवा स्थित ठिकाने पर भी पुलिस और प्रशासन की टीम ने दबिश दी, तब यहां से तकरीबन 113 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इसके बाद प्रशासनिक टीम ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे लोगों की तलाश शुरू की, तब जय स्तंभ चौक पर स्थित त्रिवेणी ऑक्सीजन दुकान पर 42 सिलेंडर जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि सतना जिले में प्रदीप जैन की दुकान में हुई कार्यवाही के बाद प्रशासनिक टीम ने रीवा स्थित ठिकाने पर कार्यवाही की, जहां से ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही थी, जिसमें 113 सिलेंडर की जब्ती की गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लगातार कालाबाजारी को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, मगर इस महामारी के दौर में भी कालाबाजारी करने वालों ने दम नहीं लिया, जिसकी वजह से अब प्रशासनिक अमले ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कार्यवाही शुरू की है। देखिए, ये विंध्या गैस के पास में जो हमारा पड़ोसी जिला सतना, वहाँ से ये सूचना आई थी कि कुछ सिलेंडर पाए गए हैं। वहाँ कार्रवाई के दौरान 300-400 सिलेंडर करीब वहाँ पे पाया गया था, तो यहाँ पे भी हम लोगों को सूचना मिली कि इसकी एक संस्था है, यहाँ प्रदीप जैन जी उसके मालिक हैं, उनके भाई हैं छोटे, तो इसी के संबंध में हम लोगों ने वहाँ कार्रवाई की थी। और वहाँ जाके देखा तो इनके पास भी 70 सिलेंडर करीब ऑक्सीजन के मिले। एक और एजेंसी जो रीवा में कार्य करती है, त्रिवेणी गैस एजेंसी है, इनके पास भी 20 और 42 करीब ऑक्सीजन के सिलेंडर मिले हैं। तो तात्कालिक तौर पर फिर इनको देख के जाँच के लिए हम लोगों ने ले लिया है, वर्तमान में सील करके इसको GMDIC साहब के, हमारे जो उद्योग विभाग के प्रमुख हैं, उनके नियंत्रण में इसको दे रहे हैं, और फिर जैसी स्थिति होगी वैसा ये करेंगे। सर, क्या इन लोग बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं? अभी शासन की तरफ से औद्योगिक तौर पर जो विक्रय होता था उसके लिए प्रतिबंध लगाया गया है। मेडिकल के संबंध में बहुत स्पष्ट उसमें निर्देश नहीं है। अभी अपने यहाँ से भी जिले स्तर से विशेष रोक ऐसी नहीं लगाई गई, लेकिन फिर भी ये जो लोगों को दे भी रहे थे तो किन दरों पर दे रहे थे, आवश्यकता किस हिसाब से दे रहे थे, किसी सरकारी डॉक्टर या किसी के प्रेस्क्रिप्शन पर दे रहे थे, या कोई लोग इनसे लेके और बीच से कहीं किसी और को किस रेट पर दे रहे थे, कोई ब्लैक तो नहीं कर रहे थे, इन सब संभावनाओं को देखते हुए आज की हम लोगों ने कार्रवाई की है। और जैसी भी स्थिति होगी, फिर यदि मान लीजिए सब कुछ इनका रिकॉर्ड व्यवस्थित होता है तो वैसा, और यदि मान लीजिए ऐसा पाया जाता है कि सिलेंडर इनके पास उचित रूप संधारित नहीं है, तो वैसी कार्रवाई। सर, सिलेंडर भी महामारी अधिनियम लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में सिलेंडर का भंडारण और सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर का परिवहन और उसके बाद बिक्री, क्या ये तीनों चीज़ें उपयुक्त हैं? इसके बाद भी जाँच की बात कर रहे हो। देखिए, इसमें जो पहले की स्थिति थी, ये लोग अपने स्तर से भरवाते हैं, रिफिलिंग कराते थे इसको, तो रिफिलिंग सेंटर्स पर लगभग सभी जगहों पर कलेक्टर साहब का ही नियंत्रण है, चाहे वो रीवा हो चाहे सतना, जो हमारे दोनों रिफिलिंग सेंटर, तो वहाँ से भराना बंद हो गया और इनकी कोई गाड़ी परिवहन करती हुई भी नहीं मिली। ये इनके भंडार में जरूर जो इनके पुराने रखे हुए सिलेंडर हैं वो सिलेंडर, और जब जैसे ही पता चला तो हम लोग उस पर कार्रवाई कर भी रहे हैं। इनके सिलेंडरों को ले करके अपन शासकीय कार्यों में यूज़ करें? जी हाँ, उसी के लिए हम लोग ने उद्योग विभाग को इसको सौंपा है, उनसे इस बारे में राय लेके फिर यदि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और ऐसी जो अपने को उपयोग में मिल सकता है, और भी देख रहे हैं जैसे कुछ वेल्डिंग्स की दुकानों में, अन्य स्थानों पर इनका उपयोग होता है, तो वहाँ से भी यदि मतलब सहमति से या लोगों से लेके जो शासकीय कार्यों में अपन लोग उपयोग कर सकते हैं इस समय महामारी अधिनियम के। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग टीवी को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।